और बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, फिर हम फंक्शंस मेरे बता टेस्ट देंगे। होगा ऑनलाइन? टेस्ट बच्चा होगा इनका ऑफलाइन। ओके ठीक है स्टूडेंट, भैया। हाँ बच्चे ऑनलाइन में कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो गूगल और फोन चलेगा ना, ऑनलाइन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी देखेंगे ओके बाद भैया में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हम भैया, स्ट्रिंग फिर पढ़ने वाले। थायराइड कैसे आंसर बताएंगे? हाँ तेरे जैसे तो तैयार बैठे रहेंगे। चलो कौन बताएगा, ये बताएगा निखिल बताएगा। निखिल क्या होता है स्ट्रिंग? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। हाँ जी, तो लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना। कलेक्शन ऑफ, आज मैं बिल्कुल साफ साफ लिखूंगा, वन और मोर कैरेक्टर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो ये बताएगा कृष्णा, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग कैसा होता है, चेंजेबल या नॉन चेंजेबल? हाँ बेटा, इन कौन बताएगा, इन पाइथन स्ट्रिंग इज कैसा होता है, भी बताते क्यों नहीं हो? वे नॉन चेंजेबल। इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल। तो याद रखना है, पाइथन के अंदर मैंने बताया था ना, एस एंड टी, एक होता है स्ट्रिंग, दूसरा होता है टपल। ओनली ये दो जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि अनचेंजेबल, और बाकी को आप डिक्शनरी में एडिटिंग कर सकते हो, आप लिस्ट में एडिटिंग कर सकते हो। ओके, और रही बात इंटीजर, कैर, फ्लोट, ये सब भी नॉन चेंजेबल होते हैं, ध्यान रखना, ये चीजें आपसे बेसिक चीजें हैं ये। और स्ट्रिंग को लिखने का तरीका, कैन बी रिटन, आप स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन, रिटन लिख लेना इसको यहाँ पे, रिटन इन सिंगल, या तो सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हो, ये होते हैं सिंगल कोट, और आप इसको स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए डबल कोट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग और सिंगल कोट और डबल कोट, डबल कोट कैसा होगा ये वाला, इस तरीके से आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। और एक और पॉइंट लिख लेते हैं, स्ट्रिंग इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, स्ट्रिंग इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है बेटा, तो स्ट्रिंग में भी इंडेक्स का यूज किया जाता है। इंडेक्सिंग आपको पढ़ा चुका हूं, अब कोई भी चीज बदलने वाली नहीं है, बस बार बार यूज होने वाली बात है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आप मुझे बताएंगे, मैंने ये ले लिया नेम। ओके, ये आपका पाइथन का प्रॉम्प्ट है, नेम एक क्या है यहाँ पे, और इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे, लिख दिया अमन, लिख दिया, चलो अमन। बताएं भैया, नेम एक वेरिएबल है, और अमन आपने देखा सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ओके, अगर अमन को थोड़ा सा क्लैरिफाई किया जाएगा तो आपकी स्ट्रिंग इस तरीके से बन जाएगी, ये हो गया। और आपको इसकी इंडेक्सिंग करनी होगी, तो इंडेक्सिंग में बच्चा ये बन जाएगा आपका जीरो, अगर पॉजिटिव कर रहे हैं, वन टू एंड थ्री। ओके, और अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो -1, -2, -3 एंड -4। तो दोनों इंडेक्सिंग आपको याद रखनी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। भैया हाँ बेटा, अभी बीच में आपने ऐसे भी करवाया था, जैसे अमन ले रखा है फिर कोई नंबर ले रखा है तो पूरे को जीरो ही दे दिया था इंडेक्सिंग। जैसे अमन और नंबर, जैसे भैया जैसे दो स्ट्रिंग एक साथ है, कोमा के साथ सेपरेटेड है। हाँ भैया, उसमें बीच में बिल्कुल वेरिएबल पे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा हो गया ना कि आप लिस्ट के अंदर बना रहे हो, बच्चे लिस्ट के अंदर तो ऐसे लिख दिया राम, है ना, ऐसे ही कह रहे हो आप, और फिर कुमार लिख दिया, फिर कोमा डाल के सरोहा लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ये जीरो, ये वन, ये टू, उस टाइम पे बेटा वो लिस्ट में काम कर रहा है, लिस्ट की इंडेक्सिंग आप कर रहे हो, और यहाँ स्ट्रिंग पढ़ रहे हो, स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर की इंडेक्सिंग की जाएगी। थोड़ा सा आपको ये चीजें समझनी है, वो लिस्ट का कंसेप्ट था, और अब जितना भी आप पढ़ेंगे वो सारा कैरेक्टर ऑफ सेट यानी कि स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आई तुषार? हाँ जी भैया। आगे चलते हैं। देखो भाई, अच्छा ये बताओ, जो आपसे पूछ रहा हूँ वो मुझे बताना, मैंने नेम जीरो पे रखा, वैल्यू क्या है यहाँ पे? नेम जीरो की वैल्यू क्या ए होगी? कैपिटल ए। ए ओके, कैपिटल ए होगा।
अगर मैंने लिखा नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखा वैल्यू माइनस फोर, तो आप देख रहे दोनों ही वैल्यू इक्वल है, दोनों का मतलब क्या है, कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट लिखा नेम, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया, चलो टू डाल दिया, इसके इक्वल कौन सी वैल्यू होगी आप बताएं मुझे। नेम माइनस टू, नेम माइनस टू, नेम के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे माइनस वाली इंडेक्सिंग का टू, इसका मतलब भी और इसका मतलब भी यही है। ओके, आप इसे नोट करो साथ के साथ। एक क्या होता है, इम्यूटेबल है, दैट मीन्स आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। अभी वो चीजें भी प्रूफ करेंगे हम आपको। जैसे हमने ने ले लिया नेम, लिया नेम में हमने इक्वल्स टू में डाल दिया सिंगल स्ट्रिंग में हेलो हेलो, ठीक है। ओके, अब आप मुझे बताना, मैं नेम को प्रिंट कर रहा हूँ, क्या ये वैल्यू स्ट्रिंग में आएगी या फिर विदाउट स्ट्रिंग आएगी, बताए बेटा। स्ट्रिंग में आएगी, सिंगल सिंगल स्ट्रिंग में आएगी। ध्यान रखना ये एक एक नंबर के आउटपुट हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग में आ गई। बेटा शंकर ये बताओ मुझे, स्ट्रिंग में लानी नहीं है, मतलब नॉर्मल वैल्यू लिखे आए, इन्वर्टेड कोमास ये जो कोट्स हैं नहीं लिखे आए, क्या तरीका होगा? अगर कोट से डिवाइड कर देंगे। तुम बताओ भैया। निखिल बेटा विदाउट कोट्स चाहिए तो आप ना इसको प्रिंट फंक्शन में प्रिंट करा दो, नेम प्रिंट कर दो, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कराओगे तो आपके पास देखोगे अब स्ट्रिंग नहीं आया है। तो यहाँ पे दो पॉइंट आपको नोट डाउन करने, अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखते चलो स्पीड से। ओके, चलो आउटपुट बताना भाई, मधुर तुम बताना बेटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट, नेम की क्या यहाँ पे वैल्यू आएगी, एरर आएगा, क्या आएगा? एरर आएगा, एरर आएगा, बिल्कुल। और कोई बताएगा? कृष्णा बताएगा। कृष्णा क्या आएगा बेटा, जल्दी जल्दी बताते जाओ यार, काम बहुत सारा कर देंगे भैया। ई, ई आएगा, ई कह रहे। और कोई? कृष्णा, निखिल, पीयूष, देखो इंडेक्सिंग करोगे दैट इज जीरो, ठीक है, फिर वन, वन पे ई आ रहा है, ई आपको प्रिंट करा रहे। शंकर कोट्स में आएगा विदाउट कोट्स आएगा भैया? ये आएगा विदाउट कोट, ये कोट में आएगा, सिंगल कोट में, ये कोट में आएगा। हाँ, अगर प्रिंट में करा दिया तो प्रिंट में कर लेते हैं, नेम वन, कंसेप्ट क्यों नहीं समझते मेरे भाई, अब विदाउट कोट आ गया, बात समझ रहे हो? प्रिंट ओके भैया। चलो, आपने अभी मुझे बताया कि स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल है। मैं चेंज करके देखता हूँ, मैं ई की जगह, मैंने नेम है ना, नेम के अंदर वैल्यू वन है, वन, ई की जगह मैं के डाल देता हूँ, तो मैंने वन सेलेक्ट कर लिया और इक्वल टू लगाया। ओके ओके, और मैंने यहाँ पे टू डाल दिया। ओके, नेम, नेम के अंदर जो जीरो इंडेक्सिंग वन पे जाएगा, वन, ए की जगह हम लिख देते हैं के लिख देते हैं चलो। ओके, तो क्या एरर आई बेटा? स्ट्रिंग टाइप लिखा हुआ है, टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, दैट मीन्स ये इक्वल टू के बाद का असाइनमेंट क्या होता है, यही तो पढ़ाया था मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू को डजंट सपोर्ट, आप स्ट्रिंग के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हुई सबको? स्ट्रिंग यहां से प्रूव हो जाएगा कि दैट इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है? नोट कर जी भैया, नोट कर लो जल्दी से, बताता हूँ। ये तो हो गया, आप एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक न्यू स्क्रिप्ट मोड ओपन कर लेते हैं। ओके, और इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट कराता हूँ, आता है आपको, लूप की हेल्प से करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे, ठीक है। ये वर्ड यूज हो सकता है आपके जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग। ओके, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स सर्च, सर्च या फिर ऐसे कह सकते हैं विजिट करना, है ना, विजिट करना ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, विजिट, सर्चिंग अलग हो गया, विजिट करना रहेगा। तो ट्रैवर्सिंग मतलब विजिट एलिमेंट्स, जितने भी स्ट्रिंग के अंदर होंगे वो तो सारे एलिमेंट्स हमें क्या करने, विजिट करने। तो क्या तरीका होगा, चलो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई भैया, मैंने लिखा एस नाम से स्ट्रिंग बना ली, एस टी आर लिखना चाहो एस टी आर लिख लो, इक्वल्स टू मैंने लिख दिया राजकुमार, राजकुमार, ठीक है। और मैं इसके एक एक एलिमेंट को विजिट करना चाहता हूँ, ये आपकी स्ट्रिंग होगी, तो कोई दिमाग लगा के मुझे लूप वाला सिंटेक्स उसमें फिट करके बताओ कि कैसे हम एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, बताओ बेटा। आप तो इतना पढ़ा दिया, फॉर एक्स इन स्ट्रिंग, फॉर एक्स इन एस टी आर लिखें,
हाँ जी भैया श्योर। और कोई और बताओ फिर आगे आगे क्या करूँ शंकर? प्रिंट कर दो भैया एक्स। वेरी गुड, प्रिंट कर दो एक्स। अब ठीक है, और कोई बताएगा मुझे? हाँ भाई, क्या गलती है नितिन इसके अंदर, जल्दी बताएगा भाई। भैया ये एक्स एक्स की एरर दे देगा। वेरी गुड, एक्स की एरर दे देगा। और कोई? कृष्णा, निखिल, क्या एरर लग रही है? यही प्रैक्टिस करनी है, यही प्रोग्राम देने हैं, इनके ही आउटपुट बताने, ऐसे ही मिलेंगे आपको छोटे छोटे। भाई इसमें कोई एरर नहीं है, इसको सेव कर लेते हैं, स्ट्रिंग स्टार्ट हो गया यहाँ से, एसटीआर के नाम से सेव कर लेते हैं इसको डेस्कटॉप पे, str.py, ठीक है। और मैं इसको F5 करके रन करूंगा तो आप देख, अरे एरर आ गई भाई, किस चीज की एरर है चेक करो। हाँ बच्चा, कोई बताएगा भैया? एस आपने फॉर एक्स इन एस स्मॉल लिया है, वो वाला एस कैपिटल लेना। वेरी गुड, यहाँ पे एस आएगा कैपिटल। ओके, इसको सेव करते हैं, F5 दबाते हैं। आप देख रहे हैं एक एक एलिमेंट विजिट हो गया। ओके, अब मुझे नितिन बताएगा, मैं ये ऐसे प्रिंट करना चाहता हूँ, RAJKUMAR एक ही लाइन में, और उन सबके बीच में आना चाहिए डॉलर। जल्दी कैसे प्रिंट कर भैया? एंड फंक्शन लगा देंगे। लगाएंगे कैसे वो तो पता है, लगाएंगे कैसे आप मुझे ये बताएं। हाँ बेटा, तुम भैया इसमें बताओ, सेकंड लाइन में प्रिंट एंड। ओके, प्रिंट एंड, या एंड लिख दिया। ठीक भैया, ये कर देंगे सेकंड लाइन में, पहले तो भैया प्रिंट एक्स ही करेंगे। देखो एक्स एक्स को पास करना है, ठीक है, अब स्पेस देना है, फिर भैया एंड लगा के, ठीक है, उसके अंदर लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा में, जो भी लगाना है डॉलर पुट कर दो, जो भी आप चाहते हो, आपने डॉलर लगाना है डॉलर लगा दो। ये सिंटेक्स आपको जब याद हो जाएंगे तब आप समझ लेना कि आपके कंसेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर हो गए। ओके, तो इस तरीके से जब आप प्रिंट करेंगे F5 करेंगे तो आप देखेंगे डॉलर डॉलर बीच में आ गया। आप स्पेस देना चाहो तो डबल स्पेस दे दो, ज्यादा बेटर रहेगा, एक और दो। अब F5 दबाएंगे तो आप देखेंगे अलग अलग स्पेस, क्लियर। तो दोनों तरीके आप लोगों को समझ में आ गए बेटा? हाँ जी, हाँ जी भैया। बेटा तुम्हें भी समझ में आ रहे हैं? बाकी बच्चों जिसको डाउट हो पूछते चलो, ठीक है। यहाँ कोई ये तो है नहीं कि क्लास ऑफलाइन है, शर्म आ रही है पूछने में, यहाँ तो आप प्रैक्टिकली देख भी रहे हो, गलती होगी तो वो ठीक भी हो जाएगी यहाँ पे। तो जो अब नहीं पूछ पाएगा वो फिर नहीं पूछ पाएगा कभी भी, ठीक है। तो भाई ये स्ट्रिंग का कंसेप्ट है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं, यानी कि हमने लगा दिया इस पर कमेंट। अब हम चलते हैं एक नई चीज सीखने, अगली जो कंसेप्ट है आपको मैं ये समझा रहा हूँ, दैट इज प्लस। ओके, इसको इन्वर्टेड उसमें लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपका प्लस ऑपरेटर होता है बेटा, इसको बोला जाता है कॉनकैटिनेशन, ठीक है। हियर दिस ऑपरेटर कॉनकैटिनेट द स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग ऐड कर देता है, दो स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है ये ऑपरेटर, ठीक है। कैसे करता है वो और बता देते हैं मैं आपको। जैसे मैंने ले लिया एस नाम से एक स्ट्रिंग ले ली, एस इज इक्वल्स टू, मैंने उसमें लिख दिया भैया मोहित, ठीक है। और मोहित के बाद अब मैंने इसमें लगाया प्लस ऑपरेटर, और दूसरी स्ट्रिंग लगा दी मैंने कुमार, फिर मैंने इसमें लगाया प्लस ऑपरेटर, मैंने तीसरी स्ट्रिंग लगा दी सरोहा लगा दिया, चलो ठीक है। तीन तरीके से ये हो गया, अब आपके तीन ऑपरेटर हैं। ओके, अब आप मुझे बताओ इसमें कोई एरर आएगी नहीं आएगी? तो यहाँ तो हम स्क्रिप्ट मोड पे कर रहे हैं, एरर आएगी तो वहीं पे आएगी। अब मैंने क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट किसको, एस को प्रिंट करना है। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ना, ये तीनों स्ट्रिंग को, दोनों को जो भी है जोड़ देगा। हम इसको सेव करके रन करते हैं तो आप देखेंगे देर इज नो स्पेस, मोहित प्लस कुमार प्लस सरोता, ठीक है। तो प्लस हट गया, उसने क्या कर दिया, तीनों को एक जगह जोड़ के लिख दिया। तो आपको ये पूछा भी जाएगा, तो स्ट्रिंग के अंदर प्लस ऑपरेटर एडिशन परफॉर्म नहीं करता, कॉनकैटिनेट करता है, स्ट्रिंग को क्या करता है, कॉनकैटिनेशन करता है उसका, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट?
क्लियर भैया? भैया सबको समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, सीख समझते हैं नेक्स्ट को। यहाँ पे इसको कर दिया। मैं आपको अगला ऑपरेटर बताता हूँ, इसको आप क्या पढ़ते हैं, दैट इज द ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन, है ना? ओके, हियर दिस ऑपरेटर इज यूज्ड एज अ, किस नाम से यूज होगा बेटा? रेप्लीकेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो इस केस में ये जो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर होता है ये एक रेप्लीकेट, रेप्लीकेट का मतलब होता है दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से काम वही है, सिर्फ वर्ड्स अलग है। वही समझाने मुझे आपको, मैंने एस इक्वल्स टू, मैंने स्ट्रिंग ले लिया अमन के नाम से ले लिया, ठीक है, और मैं इसका रेप्लीकेट करना चाहता हूँ। तो रेप्लीकेट दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। प्रिंट में डाला मैंने, एक तो मैंने डाला बेटा कि इसको एस को पास करा रहे हैं, एस को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, टू से। ओके, तो एक तो ये हो गया, और मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन लेके ना इसमें ही कर देता हूँ, और दूसरा मैंने प्रिंट एक और ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले ली एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने राम, और मैंने यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया उसका 20। ठीक है, तो दोनों ही केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, और मैंने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया एस यानी कि राम को। तो दोनों में से किसी में एरर लगती है, नहीं लग रही है, क्या कुछ हो सकता है, कोई आइडिया कुछ दिमाग में आ रहा हो तो बताएं मुझे। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर बिल्कुल रेप्लीकेशन का काम करेगा, दैट मींस वो क्या कर देगा, डबल या ट्रिपल जो भी है, मैंने यहाँ डबल लिखा, डबल की जगह आप यहाँ पे 44 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कोई एरर लग रही है? हाँ बच्चों। नहीं भैया, देखते रन करने पर क्या आता है। तो आपने देखा यहाँ पे दोनों ही फंक्शंस प्रॉपर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अमन 4 टाइम्स प्रिंट हो गया, और दूसरे केस में हमने यहीं पे स्ट्रिंग में ही लगा दिया रेप्लीकेशन ऑपरेटर, तो राम 20 टाइम्स प्रिंट हो गया। ओके, अगर आपको वैसे वन बाय वन चाहिए, नीचे नेक्स्ट लाइन में राम चाहिए, तो आप फिर लूप का यूज कर सकते हैं। तो तीसरा केस हो गया आपका किसका, रेप्लीकेशन ऑपरेटर का। तो यहां तक क्लियर हुआ बेटा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो मैं इसी में आपको कर करके समझा रहा हूँ सारी चीजें, और मैं अभी ना इसको उस पर प्रिंट कर देंगे, लाइक देखो यहाँ तक समझे। देखो भैया ट्रैवर्सिंग करना मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा। ये तो आपको ये किस चीज को रिप्रेजेंट करे, ये कमेंट है आपके, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग लिया था, स्ट्रिंग में एंटर किया राजकुमार, और उसे बाय द हेल्प ऑफ लूप प्रिंट करा दिया। दूसरा तरीका क्या था, अगर वैसे नहीं करना है तो 4x in str, और जिस वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं उसी को प्रिंट कराना होता है उसको। तो शंकर को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, होप आप लोगों को भी आ जाए। ये दूसरा प्लस ऑपरेटर दैट वर्क्स ऑन कॉन्केटिनेशन, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को हेल्प टू ऐड टू स्ट्रिंग्स। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मुझे बेटा इसके जैसे ये था, अच्छा ये कभी सोचा नहीं होगा कि कहाँ यूज होता है, तुम फॉर्म भरते हो, तुम पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हो, एक में आता फर्स्ट नेम, एक में आता मिडिल नेम, है ना, और एक में आता लास्ट नेम। तो बेटा ये फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम जब भरने के बाद फॉर्म सबमिट करते हो तो फाइनल रिव्यू दिखाता है, वहां पे दोनों एक साथ लिखे आते हैं, यानी कि अमन और कुमार दोनों एक साथ लिखे आएंगे, उसमें थोड़ी ना अलग अलग डब्बों में लिखे आएंगे। तो वहां पे कॉन्केटिनेशन ही तो हो रहा है। अब आपने देखा कि जब इसने प्रिंट किया तो इसने तो पूरा प्रिंट कर दिया था इस तरीके से, मोहित बिना स्पेस दिए ना, तो आप स्पेस देना चाहते हो ना, तो आप क्या करेंगे, आप इसी में कंट्रोल जेड कर देते हैं, हमारा यहाँ पे था ना ये वाला केस कॉन्केटिनेशन का, तो यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कोमा लगा के ब्लॉक कर देंगे यहाँ से इसके नीचे वाली लाइन। अब मेरे को ना इसी में मोहित के बाद स्पेस दे देना है जैसे, ठीक है, और कुमार के बाद स्पेस। अब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास स्पेस आएगा ऑलरेडी, तो देख रहे हैं मोहित कुमार सरोभा, यानी कि आप तीन जगह एंट्री करा सकते हो बंदे की नाम की, और उसको एक जगह फाइनली फॉर्म में भर सकते हो, फिल कर सकते हो, मतलब फिल होने के बाद आपके पास ऐसा आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो ये इसी तरीके से बैकएंड पे कोडिंग चलती है, ये चीजें आपको सीखनी है आगे चलकर। नेक्स्ट आपने रेप्लीकेशन पढ़ा, तो रेप्लीकेशन का मतलब डुप्लीकेट करता है वैल्यूज को, उतना टर्म कर देता है, दोनों ही मेथड आपको समझाए थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। तो आगे चलते हैं भैया, ये हो गया आपका यहाँ तक। अगले कुछ ऑपरेटर्स चलते हैं, लाइक अब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की।
सब पढ़ाए हुए हैं ऑपरेटर, और जब आपने एक बार पढ़ लिए तो आप आउटपुट भी तुरंत ही बता देंगे। एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे तो आप बता देना। जैसे मैंने सपोज दैट मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है ए इज इक्वल्स टू आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, ये स्ट्रिंग है कैरेक्टर ऑफ सेट। ओके, आपने क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर आपसे पूछा जा रहा है पहला ऑपरेटर, लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, ए, तो उसको स्ट्रिंग में लिखना होगा ए इन किसके अंदर, एस के अंदर, स्मॉल एस है ना, तो भैया एस के अंदर क्या आएगा आउटपुट, आप जानते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स में देगा, मैं F5 दबाऊंगा दैट विल बी आंसर विल बी ट्रू। ओके, तो इसको चलो यहीं से उठा के यहाँ ले आते हैं, थोड़े से एक दो फंक्शंस इस पे करा देता हूँ मैं आपको, यहाँ डाल दिया हमने, एस एंटर कर दिया। अब मुझे बताना आप बच्चे, मैंने लिखा इस तरीके से लिखा है, समझने की कोशिश करनी है आपको, गुड लिखा है मैंने, गुड इन एस, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, अब की बार वो पहले लिखा हुआ है जिस वैल्यू को सर्च करे या एरर आएगी, ट्राई करें आप लोग, बताएं व्हाट विल बी आउटपुट। हाँ बेटा, मेंबरशिप ऑपरेटर इसी तरीके से ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, करके दिख रहा है अभी, नहीं नहीं भैया। अच्छा चलो, मधुर बताएगा, मधुर व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है, ए इक्वल्स टू इक्वल्स टू, क्या आउटपुट आएगा, ट्रू और फॉल्स, भैया फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, वेरी गुड, फॉल्स आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो ये फॉल्स देगा, ए और कैपिटल ए दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है। अच्छा आपकी बार बताना, सब लोग बताना अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने ऐसे लिखा है स्मॉल ए और स्मॉल ए है दोनों साइड, व्हाट विल बी द आउटपुट, ट्रू, वेरी गुड, दोनों ही स्ट्रिंग मैंने बोला ना, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं डबल कोट में भी लिख सकते हैं। अरे भैया, हाँ भैया, मैं आगे की रिकॉर्डिंग देख लूँ, मेरे को कहीं जाना पड़ गया। हाँ तो कोई बात नहीं, भेज देंगे भैया, तुम तो ये क्योंकि एरर नहीं देना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये एंटर कर लो, यू गेट इन्वर्टेड कोमा डबल इज इक्वल, बेटा वो सिंगल लगा, भैया डबल इक्वल आएगा, डबल इक्वल लगाना था, अब ठीक आएगा ना, तो ये दोनों केसेस में क्या होता है, ट्रू होता है, सिंगल हो या डबल कोट्स हो, वैल्यू ऑलवेज सेम है, तो देट मीन्स आंसर यानी कि आउटपुट विल बी ट्रू। भैया ये हमने डबल लगाया जब क्यों आया, सिंगल क्यों नहीं आया, सिंगल का काम होता है असाइन करना, आप इस वाले ए के अंदर इस वाले ए की वैल्यू कैसे डालोगे, इसका तो वैल्यू डिफाइन करना होगा, तो यहाँ पे ये दोनों एरर देगा इसीलिए क्योंकि इसका मतलब होता है असाइन करना, और ये डबल लगने के बाद ये हो जाता है कंपेयर करना, कंपैरिजन, ठीक है, ये सिंगल का मतलब असाइनमेंट करना, जैसे हम करते हैं ना, हमने एक्स इज इक्वल्स टू लिखा टू, तो आपने एक्स के अंदर अब टू वैल्यू स्टोर करा ली, लेकिन आपने लिखा एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि एक्स की वैल्यू अलग है और थ्री की अलग है, एक्स की वैल्यू इस टाइम पे क्या है टू, और 2 is equals to 3, तो false, ठीक है, इस तरीके से है। चलो भी निखिल आंसर देगा, लास्ट क्वेश्चन है, निखिल आंसर बताने बच्चे, इसका क्या आएगा, आंसर बताओ बेटा, स्ट्रिंग की कोई कंसेप्ट है ये, ट्रू फॉल्स एरर व्हाट विल बी आंसर, भैया फॉल्स, फॉल्स, ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कृष्णा बताएगा, बताओ बेटा कृष्णा, ट्रू है फॉल्स, और बाकी कोई बताओ, निखिल बताएगा, तुषार बताएगा, तुषार, ट्रू भैया, फॉल्स, फॉल्स आएगा बेटा, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 65, नहीं नहीं कृष्णा बता रहा था ट्रू, भैया उसने मैसेज किया तो बता रहा हूँ मैं तो, अच्छा अच्छा जी, ए की वैल्यू है क्या है 65, और स्मॉल ए की वैल्यू कितनी होती है, आस्काई कैट के कोड 97, तो ये 65 इज ग्रेटर देन 97, फॉल्स आ जाएगा, तो यहाँ पे ये समझना है आपको। ओके अच्छा, ये ऐसे भी लिख के आते हैं, इंट व्हाट विल बी द आउटपुट, और इसको लिखना चाहो प्रिंट में लिख दो, और भी आसान हो जाएगा प्रिंट फंक्शन के अंदर।
तो एक ही वैल्यू 55 नहीं, इसमें मेंशन नहीं हो रहा भाई, वैसे यूज करना पड़ेगा। चलो फिलहाल एक चीज और लास्ट, ये कंसेप्ट बताना है। मैंने लिखा राम, ठीक है, इज ग्रेटर देन, लिखा मैंने ये स्ट्रिंग है, ये छोटे छोटे केसेस हैं जो आपको समझा रहा हूं मैं। राज, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, एरर आएगा, क्या होगा बताएं? राम इज ग्रेटर देन राज। ट्रू ट्रू, देखो कैसे चेक करेंगे जिन बच्चों को नहीं पता है भाई। कैपिटल आर सेम है, तो ना बड़ा ना छोटा, स्मॉल ए सेम वैल्यू है, देयर इज नो एरर। तो एम आ गया, जी एच आई, पहले जे आता है और फिर के एल एम आता है, यानी कि एम की वैल्यू बड़ी होगी, ओके, और जे की वैल्यू छोटी होगी। दैट मीन्स ये पूरा, ये बड़ा वैल्यू हो गया फिर, और ये छोटा हो गया, और इसी में ये लगा हुआ है, तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ गया। अगर आप इसको ऐसे लिख दो, कॉपी कर लेते हैं, इसमें आपकी बार उल्टा करके देखते हैं, तो हमने यहाँ पे इनवर्ट ग्रेटर देन की जगह क्या लगा दी, लेस देन, ओके।